ये जो हमारी देग है ना, नई नई ली थी भाई। सीजलिंग की आवाज चेक करें माशाल्लाह से हो गया इतना परसीना, हर तरफ से भाई परसीना बस छोड़। चावा चावा दे विच गरारे मैक्सियां सवा ते लेके ना बाद च गाड़ी चलाई। मैंने कहा ना तेरे चला दे गर्मी काफी है। दो गिफ्ट तो हमारे घर ही आ गए। क्या हुआ? आते ही देखें कैंडी खोल के बैठ के गुडी बैग। कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, मैं एकदम से रेडी होके हम लोग निकलने लगे थे जी। आज है मेरे कज़न के बेटी की बर्थडे, तो अक्सर जो पोपो मेरी ब्लॉग में आती हैं, पोपो रजिया, उनके बेटे की आगे बेटी की बर्थडे है, बेटी की बर्थडे है माशाल्लाह। तो मैं एकदम से रेडी हूँ, बस हम लोग जाने लगे थे तो मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरे चैनल पर आने वाले सब नए फ्रेंड्स से काइंडली रिक्वेस्टेड है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अभी भी जल्दी से निकलते हैं, जाने से पहले भी जल्दी से मैं अपने फुल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने आज पहनी है जी मैक्सी। मैंने कभी भी इतनी लंबी ड्रेस नहीं पहनी, मैं बहुत कम पहनती हूँ। मुझे ना शलवार कमीज में ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मैक्सी हो या मतलब शरारे गरारे ना फुल को कैरी करना ना थोड़ा सा बहुत मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लुक आ गई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे व्लॉग के घर में, आप जल्दी से जाके वो देख के ही उसके बाद फिर आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों को गाड़ी में जाके। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ चुकी थी जी बाहर और मैं करने लगी थी जी तैयारी किस चीज़ की, अभी बताती हूँ आप लोगों को। मैं बनाने लगी थी यहाँ पे जी बटर चिकन। चिकन को ना ऑलरेडी ना कल मैंने ना मैरिनेट ना रात को ना करके ना फ्रिज में रख दिया था, और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी अभी के लिए वो मैं ले आई हूँ। जैसे जैसे मोर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अंदर से लेती आऊँगी। और इधर मैंने अपनी ना देग रख लिए और चूल्हा ऑन कर दिया। अभी सबसे पहले जल्दी से ना चिकन को करना है जी फ्राई, इसको करते हैं जी फ्राई। और भी ये जो आज मैं बनाने लगी हूँ बटर चिकन, ये हम लोगों ने जाना है शाम को बर्थडे पार्टी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक अच्छा अच्छा से बन जाए। बर्थडे पार्टी पे जाना है पप्पो रजिया के घर, अक्सर आप लोगों ने उनको मेरे ब्लॉग में देखा है, तो ना उन्होंने कहा था कि है ना आप लोग है ना बटर चिकन बना के लेके आइएगा, आप लोगों का बटर चिकन अच्छा होगा। तो बस अभी दुआ है कि अच्छा अच्छा सा बन जाए। और थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये जो हमारी देग है ना, नई नई ली थी भाई, अभी हमने इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ भी नहीं किया। तो ना जब अब्दुल्ला की ग्रेजुएशन की थी ना तो वहाँ पे हेल्पर थी, तो उसने ना इसमें लोहे की पूंजी चोरी ना वो ज़ोर से मार दी और वो नीचे से सारे स्क्रैचर पड़ गए। मैंने कहा एक बार ये क्लियर कर दूँ। चले भी अभी मुझे लगता है कि ऑयल हो गया है गर्म, अभी ऐड करते हैं चिकन। इसकी प्लास्टिक शीट मैंने रिमूव कर दी है, इसकी भी कर देते हैं और ग्लव्स में लेके आई हूँ। बस सारे बटर चिकन को ना देग में ऐड करके ना फिर आप लोगों से मिलते हैं। सीजलिंग की आवाज़ चेक करें माशाल्लाह से। मैंने ना सारा बटर चिकन एकदम नहीं ऐड किया, बना तो मैं देग में ही रही हूँ लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके ना फ्राई करते हैं, इस वजह से कि टूटे ना। तो चिकन की खूबसूरती यही होती है कि चिकन बिल्कुल एकदम से ना साबुत पीसों में नजर आए। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। ओके ठीक है, अब्बू के साथ गए थे भी इनको फूड के और वहाँ से चीजें लेके आए हैं। गुड जॉब, गुड जॉब मीना। कोई भी सालन बनाओ ना बस उसकी ना अच्छे से भुनाई करनी चाहिए, जितना सालन अच्छे से भुना होगा उतना ही उसका अच्छा टेस्ट निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नमक मिर्च ना भी हो, कम हो, लेकिन है ना भुनी होगी ना हांडी अच्छे से तो इतना ज़बरदस्त फ्लेवर बनेगा। अभी देखिए मैंने इतनी अच्छे से बुनाई की है कि ऑयल चेक करें, अभी भी मैंने 5 मिनट और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, फिर इसको निकाल लेंगे जी इधर इस बोल में और फिर नेक्स्ट वाला रेडी करेंगे। अंदर की चल रही है, अभी थोड़े नाल शेयर कर दिया जल्दी से। यहाँ पे जी अम्मी ने रखे हैं टमाटर बॉयल होने के लिए, बल्कि बॉयल हो चुके हैं और मम्मी इनको अभी निकाल रही है इस परात में, फिर इनको पील ऑफ करके ना इनकी ना प्यूरी तैयार करेंगे। बेशक आप डब्बे वाली भी ला के यूज़ कर लेते लेकिन आपको पता फ्रेश घर में बनाई होगी तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट होगा जी। बच्चा मैं अंदर आई थी तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो रहा है तो बच्चों के खाने का भी कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं लंच के लिए, तो मैंने यहाँ पकने के लिए नूडल्स रखती हैं। अभी जी बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। चिकन सारा मैंने फ्राई करके यहाँ पे रख लिया है और इधर भी अभी टमाटर का
जो पेस्ट था वो ऐड किया है और साथ में ना मैंने मक्खन ऐड किया। मैंने कहा थोड़ा सा इसको पका लें फिर चिकन ऐड करते हैं। मक्खन तो सारा कोर खुर गया, ठीक है मक्खन आ देखो। चलो बटर चिकन भी एकदम से रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। बस मैंने हल्की आंच पे रखा है ताकि ऊपर आ जाए ऑयल। और ये चेक करें, मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ। माशाल्लाह से देखे चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटा, ये देखे जबरदस्त। बस अभी अच्छे से ऊपर ऑयल आ जाए तो फिर भी हमारी हंडिया एकदम से रेडी है। अभी मैं आ चुकी थी अंदर फिर से दोबारा और यहाँ पे जी मैं रेडी करने लगी थी जी पुदीने की और सब्ज़ धनिया की चटनी। एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर दी है बनानी, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट है। हरी चटनी भी रेडी। ये है जी फाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैंने हल्की आँच पर रखा है, बस थोड़ी देर तक मैंने इसको बंद कर देना है। बहुत यम्मी है, बहुत मज़ेदार है, टेस्टी कर आगे टेस्ट करके देखा है। किचन में भी मसलसल कुछ हवा रहने के बाद हालत जो ना कुछ ऐसे होगी, इतना परसीना हर तरफ से, वही परसीना बस छोड़ दे। बच्चों को भी खिला दिया, अभी मैं जाने लगी हूँ जी ऊपर। पानी पीते बैठ के सबसे पहले ऊपर आके भी मैंने अपना आंखों का मेकअप कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं करने लगी थी जी प्रेस भी करने लगे थे। कपड़े आयरन करके भी इधर मैंने हैंग कर दिए, अभी बच्चों को करते रह। प्रिंसेस यहाँ पे जी एकदम से रेडी हो गई थी आज, इसको मैंने पाकिस्तानी आज इसने कहा मम्मा मैंने ये वाला ड्रेस पहना, तो मैंने कहा चलो ये वाला पहन लो कोई बात नहीं है। और इसके हेयर मैंने ऊपर पोनीटेल किया क्योंकि आज गर्मी बहुत है। टर्न निमड़ा माशाल्लाह। चलो जल्दी से सलाम बोल दो। वालेकुम अस्सलाम। चलो दिखा दो एक बार, दिखा दो। वाह प्रिंसेस तो बहुत प्यारी लग रही है आज माशाल्लाह। और जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं भी एकदम से रेडी हो चुकी हूँ, फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ बाहर जाके शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो मैस ना बाहर खड़े होकर मेरा वेट कर रहे हैं। और ये देखिए जी मेरी शहजादी ने दुपट्टा ले लिया है माशाल्लाह से। चले भी अभी मिलते हैं आप लोगों को ना गाड़ी में बाहर जाके, बल्कि मिलते हैं पहले फुल लुक शेयर करते हैं और फिर निकलते हैं, टाइम काफी ज्यादा और है माँ सदके। चलो अभी सारी चीजें बिखरी हैं आके ठहेंगे, टाइम काफी ज्यादा और है। भागो भागो पापा वेट करें। शूज नहीं पहने, आ चुके हैं जी नीचे और बच्चे देखे बाहर चले गए दरवाजा खुला छोड़ के। बस मैं भी जाने लगी हूँ, मैं मम्मी का वेट कर रही थी, मम्मी का भी दुपट्टा इधर ही है। मम्मी कह रही बस मैं आ रही फ्रेश। चलो चलो गाड़ी में चले, चलो जल्दी चलो निम्मा, चलो चलो जल्दी देखो गाड़ी चलाइए। मैंने कहा थोड़ी देर चला दे गर्मी काफी है। चलो बैठो गाड़ी में, आ जाओ गाड़ी में बैठो। चले 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 मम्मी जल्दी बैठो गाड़ी में आके। मम्मी मम्मी भी आ रही है, जल्दी बैठ और कौन। गुड बॉय जल्दी जल्दी मेरा चल इधर ही बैठ जाओ मम्मा। लेट्स गो कमिंग इधर बैठ। हां मम्मी वो है जी मम्मी। मम्मी ने आज पहना सी ग्रीन और पिंक ड्रेस, ये बाजी नूरीन ने मम्मी को दिया था। और इधर है मैस। चटनी जो है वो मैं लेके आ गई हूँ और ना वासिफ कह रहा था वो दूसरी गाड़ी में रख लेता है, क्या उसको कहते हैं चिकन बटर। भाई अल्लाह ये गाड़ी में आती, गाड़ी तो ऑलरेडी पहले से स्टार्ट करवा दी थी मैंने मैस से। ए सी फुल ऑन है, पीक का आज दिन लगा हुआ है, सामने सूरज चमक रहा है। और इधर जी मेरे बच्चे पीछे बैठ चुके हैं कार सीट में और हम लोग निकल चुके हैं। हमें जाते जाते टाइम लगना है इंशाल्लाह ताला 15 मिनट लगेंगे, अगर ट्रैफिक ना हुई तो, अगर ट्रैफिक हुई तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। पहुंच चुके हैं जी फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। चावा चावा के बच्चे गरारे मैक्सियाँ सवा तो ले जाना बाद चली तो इन्होंने पाना पैदा कैरी करना पैदा, बड़ा ही औखा काम लगता है। माशाल्लाह लगते सब आ गए, हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और अभी हम लोग जाने लगे हैं जी अंदर। चलो सारे बेमर्द बाहर खड़े हुए हैं। मैं से मुझे पकड़ा दो ये मैं आपको पकड़ा मम्मी सालन सालन होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी लगता है सारे गेस्ट आ चुके हैं। मैं तो अभी सीधा किचन में आई हूँ माशाल्लाह। ये है
जी मेरे पापा, पापा लुकिंग प्रीटी टुडे। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। आ पढ़ो पापा जी सुन, की हाल चाल पापा जी? पापा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रहा है ड्रेस। कैसी जा रही है तैयारी शायरी? बिना हेल्प के भी कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। हेल्प के बगैर हम कुछ भी नहीं है, हेल्प करनी पड़ती है। और ये देखिए इधर सैलड सैलड काम शाम चल रहे हैं। और ये है जी हमारी लिटिल हेल्प। हेलो, गुड, हाउ आर यू? गुड, टू सी यू। ओह थैंक यू। देखिए मम्मी जी एपेटाइजर, एपेटाइजर चल रहा है भाई यहाँ पे। ये है जी टूना सैलड के साथ कुकीज है, ब्रेड है, आप इसके साथ खा सकते हैं। इससे पहले भी रश और ज्यादा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब आ चुके हैं काफी, इधर देखे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने कहा जल्दी से ना मैं आप लोगों को ना डेकोरेशन की लुक शेयर कर देती हूँ। जबरदस्त की केक चेक करें माशाल्लाह, अभी 1 ईयर की हुई है। तीन सारा उन्होंने पिंक वाइट रेड, और इधर चेक करें कुकीज क्रैकर डोनट वगैरह। सारे टेबलों के ऊपर उन्होंने रेड लाइट पिंक डार्क ना सारे उन्होंने ऐसे कवर ले जी। फुप्पो भी आ गई है। फुप्पो तुम्हारी पोती है कि दोती है? फुप्पो की पोती की बर्थडे है। ये इजी है ना बताना अभी। हर टेबल पे बेबी बैग है। मैं इधर किचन में आई थी, पप्पो को मैंने कहा चलो एनवलप दे देते हैं, छोटी का ना बर्थडे गिफ्ट है। लेकिन पप्पो जो है लगता है वो बाहर चले गए, अभी मैं वेट कर रही हूँ। इधर पप्पो आ जाए फिर मैं दे के ना। ओए अंकल जी, तुसी मेरा दिल खुश कर दिया था आज। और अभी खाने की वीडियो यहाँ पे। इस चीज के लिए ये नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे हाथ में आ गई है। अभी जब सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं और होने लगी है जी केक कटिंग, अभी बस वेट कर रहे हैं कि नानू नानी आ जाए। दादा दादू तो आ चुके हैं। एक साइड पे है जी बर्थडे गर्ल की नाना नानी, और दूसरी साइड पे है जी बर्थडे गर्ल की दादा दादी। हैप्पी बर्थडे टू माशाल्लाह।
अभी जी दूसरी गेम की बारी है, ये है जी म्यूजिकल चेयर्स। पार्टी डन हो गई, अभी जी सारी क्लीन अप चल रही है। मैं यहाँ पे अपनी बैग लेके खड़ी होगी, बस हम लोग भी निकलने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं। ये देखे सारे गिफ्ट वगैरह लेके जा रहे हैं गाड़ी में। निम्रा ने कुछ बलून लिए हैं और साथ में गुडी बैग है। गुडी बैग में क्या है निम्रा, इसमें चलो घर जाके दिखाएं। चलो ठीक, सब ने जाना स्टार्ट कर दिया। घर वापस आ चुके हैं, शहजादा सो गया तो मैं उसको लेके जा रहे हैं। गाड़ी का डोर खुला, इसको बंद कर देते हैं और हम लोग भी चलते हैं। हाँ जी, क्या हुआ है रे, क्या हुआ? ओए मेनू तंद लगता है, सर्दी लग रही है। आते ही देखें कैंडी खोल के बैठ के गुडी बैग्स। This is mine, this is mine, this is yours. आ चुके हैं जी रूम में, बेजल्दी से होते हैं फ्रेश और आज का जो व्लॉग है इसको यहीं पर एंड करेंगे। लेकिन जाने से पहले थैंक यू सो मच पोपो इनवाइट करने के लिए, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, खाना भी बहुत मजेदार था, सबने हेल्प की थी। तो ना आपको पता, बिना हेल्प के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो चलो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा अच्छा फंक्शन गुजर गया। अल्लाह पाक छोटी का नसीब अच्छा करे और उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी लंबी जिंदगी दे, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी एंड। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो ज्यादा से शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।